छतरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारते हुए अवैध तमंचों सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अपने हुनर का गलत इस्तेमाल इंसान को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। कुछ यही हुआ जब पुलिस को सूचना मिली थी कि छतरपुर के गौरीहार थाना अंतर्गत ग्राम खड्डी में अवैध हथियार बनाकर सप्लाई किए जा रहे हैं। हथियारों को बनाकर उनकी सप्लाई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में की जानी थी। जब पुलिस को सटीक जानकारी मिली तो पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने हथियार की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 देसी 12 बोर की बंदूक, 1 अर्धनिर्मित कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए हैं। फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला काफी सामान बरामद किया गया है। साथ ही मौके पर पकड़े गए राम स्वरूप विश्वकर्मा, अजय बछोटू विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। खुलासे की पूरी जानकारी छतरपुर SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति है, उसके पास अवैध बंदूक है। उसको ये थाना गौरीहार के थाना प्रभारी और टीम ने काफी अच्छे तरीके से डेवलप किया। उसको जब पकड़ा तो उसके पास से एक अवैध बंदूक मिली और उससे फिर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कहाँ से लाया है, ऐसे करके उसको जब पूछताछ की गई तो उसने बताया। उसके आधार पर 2 लोगों को और पकड़ा है और उन लोगों के पास से अवैध हथियार बंदूक बनाने का बहुत सारा सामान मिला है, कारखाना कह सकते हैं उसको, मिला है, जिससे कि वो काफ़ी हथियार बनाते रहे हैं। इस पूरे मामले में अभी तक मैं 2 बंदूकें, 1 जो कट्टा बोलते हैं वो, और 1 आधा बना कट्टा भी था, और साथ में हथियार बनाने के का काफ़ी सारा सामान मिला है। न्यूज़ BK के लिए छतरपुर से सुशील सेभारे की रिपोर्ट।